ओम श्री गणेशाय नमः। माय फ्रेंड्स, तो आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए नवंबर के पहले 10 डेज के लिए लव रीडिंग करने जा रही हूँ, जो कि 1 नवंबर से 10 नवंबर के लिए होगी। सबसे पहले मैं आपकी एनर्जीज देखूंगी, फिर आपके पार्टनर की, और उसके बाद हम आपके लिए डिवाइन गाइडेंस देखेंगे, प्लस आपके पार्टनर का एक लव मैसेज भी निकालेंगे फ्रेंड्स। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, और जितनी रेजोनेट हो फ्रेंड्स उतनी ही लीजिएगा। रेस्ट बाकी चीज़ों को प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा, और कोई भी चीज़ अपने ऊपर फोर्स मत करिएगा, ठीक है। तो निकालते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपकी एनर्जीज निकालती हूँ। ओके सो लिब्रा यानी तुला राशि, क्या है आपकी रीडिंग, क्या कहते हैं डिवाइन आपसे, आइए देखते हैं क्या है आपके कार्ड्स में। सबसे पहले आपकी एनर्जीज निकाल रहे हैं फ्रेंड्स, तो आपकी एनर्जी में आया है द सन, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। बहुत पैशनेट हैं फ्रेंड्स आप, 5 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा ग्रोथ चाहते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करना चाहते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि कहीं ना कहीं पीछे कुछ आप लोगों के झगड़े इतने ज़्यादा हो गए, इतना ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो गई कि अब आपने सोचा कि सब ख़त्म करो टाइप्स हो गया है। और अब आप 4 ऑफ सोर्ड्स के साथ मुझे दिख रहा है कि कुछ भी नहीं करना चाहते, कोई एक्शन नहीं लेना चाहते, कुछ नहीं करना चाहते, जबकि आप इतना ज़्यादा पैशनेट हैं। लेकिन ये लड़ाई झगड़े जो डिस्प्यूट आप दोनों के बीच में हुए हैं, उन डिस्प्यूट्स की वजह से काफ़ी आपस में एक तरह की कड़वाहट आ गई है, और इस कड़वाहट की वजह से आपस में मनमुटाव और काफ़ी शायद साइलेंस भी हो। पेज ऑफ कॉइंस करना तो चाहते हैं आप भी अपनी तरफ से शुरुआत, लेकिन वही है कि शायद आप भी दूसरे के पक्ष को समझना चाहते हैं, दूसरा क्या चाहता है। और अभी फ़िलहाल आप अपने अंदर स्ट्रेंथ इकट्ठी करने की कोशिश कर रहे हैं, मे बी 1 to 10 नवंबर आप अपने अंदर स्ट्रेंथ इकट्ठी करने की कोशिश करें कि कैसे मैं अगर बात नहीं भी कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो कैसे मैं उनसे कोशिश करूँ, कैसे मैं शुरुआत करूँ, इन झगड़ों को किस तरह से ख़त्म करूँ, और नेक्स्ट क्या स्टेप लूँ, मतलब इस तरह की आप कुछ मतलब प्लानिंग्स में हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब मैं आपके पार्टनर की एनर्जी निकालती हूँ, वो क्या सोच रहे हैं। तो तुला राशि के जो पार्टनर हैं वो क्या सोच रहे हैं, तुला राशि के पार्टनर की एनर्जी निकालते हैं फ्रेंड्स। तुला राशि के पार्टनर की एनर्जी क्या है, 2 कार्ड्स एक साथ आए हैं, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, द लवर। देखिए फीलिंग्स तो उनके मन में भी बहुत स्ट्रांग हैं आपके लिए, ऐसा नहीं है, आपके मन में भी थी और उनके मन में भी है, बट अभी वो फिलहाल शायद डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। 2 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ वॉन्ड्स, कहीं ना कहीं वो दो चीज़ों में थोड़ा सा जगल कर रहे हैं, थोड़ा सा समझ रहे हैं, या तो अभी भी पुरानी बातों को याद करे जा रहे हैं, पास्ट को ही बहुत ज़्यादा क्लिंग कर रहे हैं, क्लिंगिंग टू द पास्ट वाली सिचुएशन में है, वहीं अटक गए हैं, या तो इस तरह से है। आपको वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ आगे सोचते हैं, मैरिज कमिटमेंट के बारे में भी सोचते हैं, इन चीज़ों पे भी सोचते हैं, ऐसा नहीं है कि वो इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचते, लेकिन और हो सकता है अपने किसी फैमिली फ्रेंड से किसी से राय भी ले रहे हों कुछ इस तरह की कुछ चीज़ों के बारे में, बट फिलहाल हो सकता है वही जैसे आपके में 5 ऑफ वॉन्ड्स आया था, कुछ झगड़ा वगड़ा हो गया था, तो उन्हें लग रहा होगा कि आप ही आकर बराबर से जस्टिस करेंगे, आप ही अपने मन की बात कहेंगे, आप ही क्लियर करेंगे चीज़ों को, है ना, आप ही उन्हें ऑफर देंगे, वो इस तरह से कुछ। अब ये झगड़ा क्यों हुआ है, या तो किसी ने बीच में कुछ मैन्युपुलेशन खेली है, कुछ लगाई बुझाई करते हैं ना जैसे इधर उधर के लोग होते हैं, या तो कुछ इस तरह का डोमिनेंस, कुछ इस तरह की चीज़ें क्रिएट की गई हैं किसी के थ्रू, बट यस वो आपको ऑफर देना चाहते हैं, वो अपनी तरफ से भी मेहनत करना चाहते हैं इस रिश्ते में, बट वो उससे पहले चाहते हैं कि जस्टिस हो, ऐसे ही नहीं कि भाई कुछ भी अपनी तरफ से ही अपनी फीलिंग्स दिखाने लग जाए, अपनी तरफ से नहीं वो एकदम फीलिंग्स दिखाएंगे, वो चाहते हैं आप शुरुआत करें, आप करें पहले मेहनत।
ठीक है, तो अब मैं आपकी एंजल गाइडेंस निकालती हूँ इस रिलेशनशिप से रिगार्डिंग। क्या गाइडेंस दे रहे हैं आप, और डिवाइन आपसे क्या कह रहे हैं? डिवाइन आपसे कह रहे हैं एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। तो कुछ बहुत ही पावरफुल आपकी लाइफ में होने वाला है, कुछ पावरफुल बदलाव आने वाले हैं। अब वो आपको देखना है कि किस तरह का बदलाव आएगा। एंड डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। तो अगर इस रिलेशनशिप में ईगो वीगो बीच में आ रही है एक दूसरे के साथ कि मैं ऐसा तो वैसी वाला, तो आप इस चीज़ों को थोड़ा सा हटा दीजिए। रिलेशनशिप्स में इन चीज़ों की कोई जगह नहीं होती फ्रेंड्स। अगर इन चीज़ों को हटा के चलेंगे तो शायद लाइफ ज़्यादा बेटर तरीके से बीत पाएगी। एक लव मैसेज निकालते हैं फ्रेंड्स आपके पार्टनर की तरफ से। वो क्या कहते हैं? फ्रीडम, देयर इज नथिंग स्टॉपिंग यू, द पाथ इज क्लियर इफ़ यू वॉन्ट इट टू बी। तो वो कह रहे हैं कि रास्ता तो एकदम साफ है अगर आप चाहो तो। तो वो चाहते हैं कि आप आगे बढ़ के कोई उनके लिए, जैसे कहते हैं ना, स्टैंड लें। अगर आप स्टैंड नहीं ले रहे ना उनके लिए, तो स्टैंड ले लीजिए लिब्रा राशि। यही मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि मन में उनके भी बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं आपके लिए और आप ही का वेट कर रहे हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको रीडिंग क्लियर हुई हो। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए फ्रेंड्स, और रीडिंग को लाइक करिए, एनर्जी को क्लेम करिए, तभी मुझे पता लगेगा कि मेरा मैसेज आप तक पहुँचा है। तब तक के लिए बाय बाय।